हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसीब और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कुछ बात करनी थी, ये मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। आज ये लंपी स्किन की बीमारी जो आजकल हमारे इलाके में या आसपास पूरे बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो फैली हुई है, इसके असरात कुछ ज़्यादा है माल मवेशों पर। इसके असरात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, माल मवेशी बहुत बीमार है, अक्सर मवेशी बीमार है इस वक्त, इस वजह से कि बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो इन पर कुछ टोटके मैंने आजमाए, टीके आजमा कर लगाए। इसका इलाज तो है बिल्कुल नहीं, बहरहाल वैक्सीन इसका इलाज था जो पहले लगा हुआ है, और जिस माल को वैक्सीन नहीं लगा हुआ है वो इस तरह के, उनकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, उनके पाँव में सूजन पड़ जाता है और बिल्कुल खुराक से बिल्कुल गिर जाते हैं। तो इनको कुछ एक चीज़ें मैंने लगाई, बहरहाल जो और टीके मैंने लगाए हैवानात के, उनमें से कंफर्म कोई चीज़ ऐसा निकला नहीं। हालांकि बुखार भी इसे कंट्रोल किया जाता है इन टीकों से। बहरहाल और जो भी मैंने इनसे एक मेन चीज़ निकाली है जो आखिरी रिज़ल्ट पर मैं पहुँचाऊँ, तो उसकी रिज़ल्ट ये है कि इस पर मैंने डिकाड्रन का इस्तेमाल किया, इंसानी डिकाड्रन का। तो डिकाड्रन कुछ कामयाब रहा। डिकाड्रन मैंने ऐसे लगाई कि उसके साथ मैंने हैवानात के पेसलिन लगाए, यानी 10 एक पेनीवेट और 10 डिकाड्रन एक टाइम पर, और फिर 24 घंटे में 2 बार लगाना है, 10 डिकाड्रन और एक पेनीवेट दूसरे टाइम पर। तो फिर जानवर का हिसाब कुछ बराबर हो जाता है। अभी देखिए मैंने इसको सिर्फ 3 टाइम इस पर डिकाड्रन चीज़ वगैरह लगाए, हालांकि ये गाय बिल्कुल बैठ गई थी, उठ नहीं सकती थी। अभी माशाल्लाह अभी कुछ खा रही है, खुराक कर रही है। तो इसको पाँव वगैरह आप लोग गौर से देख सकते हैं, पाँव में बहुत सूजन सी हो गई है, पाँव बिल्कुल ख़राब हो गए है, वरना बिल्कुल ख़राब हो गया है, और तन बिल्कुल सारे ख़राब हो गए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ व सलाम।